अप्रैल दिसंबर 2021 की अवधि में रत्न और आभूषण निर्यात बेहतर मांग से अमेरिका, हांगकांग और थाईलैंड सहित प्रमुख देशों में 5.76% बढ़कर 29.08 अरब डॉलर हो गया। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल GJEPC ने ये जानकारी दी है। GJEPC ने कहा है कि दिसंबर 2021 में निर्यात 29.49% बढ़कर 3.04 अरब डॉलर हो गया। GJEPC के अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग, थाईलैंड और इजराइल जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में छुट्टी और फेस्टिवल होने से मांग में मजबूती थी और हमारे पास विश्वास करने का यह कारण है कि यह गति वित्त वर्ष 2022 के अंत तक जारी रहेगी। अप्रैल दिसंबर 2021 के दौरान कटे और पॉलिश किए गए हीरे का निर्यात 23% बढ़कर 18 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी तरह इस अवधि के दौरान सोने के आभूषणों का निर्यात भी 25.41% बढ़कर 6.91 अरब डॉलर हो गया। 9 महीने की अवधि के दौरान सादे आभूषणों का निर्यात 57.47% बढ़कर 2.83 अरब अमेरिकी डॉलर और जड़े हुए सोने के आभूषणों का निर्यात 4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इसमें कहा गया है कि अप्रैल से दिसंबर 2021 की अवधि में चांदी के आभूषणों का निर्यात 94% बढ़कर 1.96 अरब डॉलर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।